पंकज जी हम दोनों को यहाँ पर झुनू दलाल भेजा है। हाँ मुझे भी झुनू का फोन आया था, कह रहा था तुम दोनों की खून चाहिए। हाँ जी अंकल जी। तो ठीक है 50,000 एडवांस और 3,000 रुपया महीना लगेगा। हाँ जी अंकल जी, ये लीजिए आपके 50,000 रुपया, महीना का फर्स्ट वीक में आपका रेंट मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है यार, रहने से पहले तुम दोनों को कुछ बातें बता दो। अंकल जी मुझे पता है आप कहाँ कहोगे, यही ना कि दारू शराब और चोगड़ी वाली नहीं चलेगा, आप चाप मत लीजिए। शक्ल खराब है, लड़की भाव देती नहीं, हम लोग दूध पीने वाले लड़के हैं, दारू से दूरी रहते हैं। गुड, तुम दोनों अच्छे लड़के लग रहे हो। हम अच्छे लड़के लग नहीं रहे, हम अच्छे लड़के हैं। आप रूम दिखाइए कहाँ है। राइट साइड में। ओके रूम तो हेवी है। सही बोला, यहाँ तो रोज पार्टी होगा। हाँ, और कभी बुड्ढा बाहर चला गया तो अपनी गर्लफ्रेंड को बुला के पलंग में हिला दिया जाएगा। लेकिन पलंग तो एक ही है। कोई बात नहीं, तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके पलंग के नीचे चले जाना। ज्यादा सियाना नहीं बन रहा बाबू। भाई चलो भाई। कौन है बे तू, बिना लॉक किए अंदर घुस आया? हाँ साला आया है इससे बाप का घर जैसे। ज्यादा बोल रहे हो तुम लोग, कौन हो ये बताओ। हम दोनों गेस्ट है, आज ही रूम लिए हैं रेंट पे। अच्छा तो अंकल तुम दोनों छुटिया को बात कर रहे थे। अबे ज्यादा कह रहा है कौन तू, शकल से तो चोर लग रहा है। हाँ छुट्टियों को मैं चोरी दिखता हूँ। अबे है कौन तू, बुलाओ मकान मालिक को, अभी तेरे को घर से बाहर कर देगा। जा बोल दे, अगर अंकल को पता चला कि तुम दोनों मेरे से बदतमीजी से बात कर रहे हो वो उल्टा तुम्हें घर से निकाल देंगे। अच्छा भाई हो कौन तुम? मैं भी गेस्ट हूँ, रेंट पे रहता हूँ, बहुत सालों से रह रहा हूँ, मकान मालिक अपना बेटा जैसा मानते हैं। अच्छा ऐसा है क्या, तुम पार्टी करता है? नहीं। तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं। होगा भी कैसे, इतना खड़ू जू रहता है, सब लड़की से दूरी रहेगी। लगता है तुम दोनों को घर से निकलवाना पड़ेगा। अरे पगला मजाक कर रहा है, ये बहुत मजाक करता है। सुन तू पार्टी नहीं करता, हम लोग को तो करने देगा। बिल्कुल नहीं, इस घर पे थोड़ा सा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। नहीं कैसे बोलता है एकदम खड़ूस की तरह। तो चुप ना, बातों पे ध्यान मत दे भाई। तो सुन, हम लोग पार्टी नहीं कर सकते लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को तो बुला सकते हैं ना। मैंने बोल दिया ना एक बार, इस रूम में गंदगी नहीं। अबे कितना खलूस है बे तू। बच्चों इधर आना। अंकल जी इधर, मकान मालिक बुला रहा है। क्या हुआ अंकल जी? सुनो आज रात को मैं पार्टी में जा रहा हूँ तो तुम दोनों घर का अच्छे से ख्याल रखना। एकदम बिल्कुल एकदम अपना घर का तरफ ख्याल रखिए। हाँ। वाह क्या टाइमिंग है जान, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाला था। अच्छा रूम मिल गया क्या? हाँ रूम तो मिल गया, तुम रात को आ भी रही हो ना। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। अरे इससे कह के तुम मेरा खड़ा कर दोगी क्या? बॉडी करूँगा। अच्छा हाँ सुनो ना, रात को तुम रेडी रहना, हम कॉल करेंगे, तैयार रहना। बाय डार्लिंग। मेरी वाली तो रेडी होगी, तू अपनी वाली को ही बना ले। ये दाम अभी कॉल करते हैं। हाँ बेबी रूम मिल गया, मकान मालिक आज ही बाहर जा रहा है, तो अगर तुम आ जाओगे तो मजा ही आ जाएगा। क्या हुआ? ये भी मान गई? ए हुई ना बात, एक मिनट परूप चूतियों कैसे मनाया जाए। भाई मैं कह रहा था तू आज रात को कहीं बाहर चला जाएगा क्या? क्यों तेरा बाप का घर है क्या? अबे साले। अरे भाई भाई तू हम लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहता, अगर तू हम लोग से दोस्ती कर लिया तो बहुत बेनिफिट होगा। मैं छुट्टियों से दोस्ती नहीं करता। अरे भोंसड़ी की जात। भाई भाई तू जा, तू से चुप करा। नहीं इधर तो चुप कर, मैं इसे मनाता हूँ। सुन मेरे भाई क्या दिक्कत है तुझे, कहाँ चाप है? आज रात को हम लोग अपनी गर्लफ्रेंड को इधर बुला रहे हैं, तू बस उस बुड्ढे को बताना नहीं। क्या बोला तुम दोनों मेरे घर पे लड़की बुला रहे हो, गंदे की तरह मार डालूंगा तुम दोनों को। अंकल जी हम लोग नहीं रहे हो। क्या हुआ तुम दोनों को, आपने कैसे लड़की को रूम दिया है? वो हम दोनों को जान से मारना चाह रहा है। नहीं यार हम तीनों के सिवा और कोई है नहीं। क्यों मजाक कर रहे हो अंकल जी, वो लड़का वही तो बैठा है। चलो चल के निकाल घर लो। कहाँ है इधर कोई? यही तो वो लड़का।
एक मिनट, तुम लोग बाहर आओ। शायद तुम लोग इसका बात कर रहे हो। बीमल खाने की वजह से 6 महीना पहले इसका बहुत हो गया। पापा 50,000। जिन्नू दूसरा पकड़ा बैठ।